छत्तीसगढ़ के महासमुंद से बीजेपी से पहली बार चुन करके आई रूप कुमारी चौधरी जी विधायक रही हैं, पहली बार पार्लियामेंट में आप पहुंच रही हैं, आपके क्या फीलिंग्स है पार्लियामेंट को लेकर? विधानसभा में तो आप रही हैं। हाँ, मैं विधायक रही हूँ और एक नया एक्सपीरियंस होगा, नया उत्साह है और आज शपथ है तो जा रहे हैं, इसका एक अलग अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, मध्य प्रदेश में, बाकी जगहों पे कम रह गए। आप लोगों को पूर्ण बहुमत की सरकार न बनने का कोई मलाल नहीं? थोड़ी बहुत आगे पीछे होती, हमारी सरकार बनी, सबका सहयोग से चलाएंगे। आपको लग रहा है मजबूत विपक्ष इस बार वैसी? चल हो जा शुरू। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। आजादी आप लोगों को नहीं देगा जैसे 10 साल आप लोगों ने? कुछ भी मजबूत विपक्ष नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जनता का विश्वास है और बहुत अच्छे से चलाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपको शुभकामनाएं। ये देखिए, कर्नूल आंध्र प्रदेश के सांसद नागराज जी पहली बार चुने गए, TDP के हैं, 1 लाख से ज्यादा वोटों से चुने गए। इनके परिवार के सदस्य, इनके समर्थक सबसे ज्यादा यहाँ पर वेस्टर्न कोर्ट में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इनके पारिवारिक सदस्य, माँ है, बहन है, बेटी है, बहन है, पूरा परिवार, पिता, साधारण परिवार के ये नेता है। इनका क्या बैकग्राउंड है नेताजी? असल में मैंने बात किया तो वो हमारा उनका संवाद नहीं हो सकता, उनको हिंदी नहीं आती, हमको तेलुगु नहीं आती, तो उनके एक समर्थक हैं। वो किसान काम करने के वाला, खेती बाड़ी काम करने के वाला, आज अच्छा। पार्लियामेंट में मेंबरशिप बन गया है। अरे, सबसे ज़्यादा भीड़ इन्हीं का आया है वेस्टर्न कोर्ट में, बात क्या है? अब बात क्या है, तो ये पूरे हम गोम से आए, हम पूरे संतोष में, फुल एंजॉय, खुशी में। तो अपना पैसा किराया भाड़ा लगा के? हमारा MP साहब के लिए हमें सब खर्च करके आ गए हैं। अच्छा, ये पहली बार जीते? पहली बार जीते। कभी MLA भी रहे? नहीं, कोई भी नहीं, MPDCC MP। सीधा MPDCC MP। देखिए, इनके कितने समर्थक है कर्नूल साहब के सबसे ज्यादा? और ये पिताजी है? पिताजी है, आइए। देखिए, सीधे साधे लोग हैं किसान। इनको पूछो, तुम्हारे सेव MP बने ना, तुम्हारा कैसा है? एक मिनट रुके, अरे थोड़ा तो हिंदी बोलो, थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलो, थोड़ा हिंदी, तेलुगु ही बोलिए, कोई बात। మా హస్బెండ్ MP అయినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది, ఇక్కడ పార్లమెంట్ లో వచ్చి 5 ఏళ్ళలో హ్యాపీగా ఉండాలని. ఉనికే సేవ MP బనే సిస్కు మేరకు బహుత్ ఖుషి హై. హిందీ వాళ్ళ హా కోయి బతాయేగా? क्या बोल रही थी मैडम? वो मैडम ने, हमारा पति ने MP बने, इसको बहुत खुश हो गए हमें, याद जाहिर सी बात है खुश। चलिए देखिए, इतना अभी तक मैं जितना माहौल देखा उसमें इन MP के साथ पूरा परिवार, बहुत सिंपल लोग, किसान परिवार से आकर के ये चुनाव जीते हैं। खैर, इसी तरह का माहौल मैं आपको दिखाते रहता हूँ। मैंने आपको बताया ना, आज आप हर जगह सब कुछ देख रहे होंगे, लेकिन ऐसा माहौल सिर्फ माहौल क्या हमें देखेंगे।